नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक विद ममता सुराना शो में। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बड़ी बड़ी भीड़ रहती है, सारे चेहरे गड़मड़ होते हैं, अनजाने होते हैं, लेकिन इस भीड़ में एक दो चेहरे तो ऐसे होते हैं जो बड़े पहचाने पहचाने से फेमस लगते हैं। हम कहते हैं अरे ये तो एक्टर है, ये तो सिंगर है। तो इन्होंने अपनी पहचान क्या बिना मेहनत के रातों रात यूं ही हासिल कर ली? नहीं, हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे अगर आप देखें तो संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। कई कठिनाइयों को पार करके वो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं। बहुत सी बाधाएं आती हैं जीवन में, लेकिन उन बाधाओं की परवाह ना करते हुए अगर हमने कुछ जीवन में करने का ठान लिया है और बिना परवाह किए अपने लक्ष्य की ओर नजर गड़ाकर आगे बढ़ते जाते हैं तो सफलता जरूर आपके कदम चूमती है। और बुलंदियां जो आपकी शोहरत है, शोहरत की बुलंदियों तक वो पहुंचाती है आपको। ऐसी ही कुछ शख्सियत जो अपने मेहनत पे, अपने दम पर, अपने बलबूते पर सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं, अपनी एक पहचान बनाए हैं, अपना एक नाम किया है, ऐसी शख्सियत को हम अपने शो में आमंत्रित करते हैं। और आज आपके सामने जो आने वाली हैं वो कोई नया नाम नहीं है, डिजिटल की दुनिया में बड़ा पॉपुलर नाम है। महिला होते हुए भी अपने फील्ड में किस तरह वो क्वीन बनी, हम तो उन्हें डिजिटल क्वीन कहते हैं। आप पूरे बंबई के कोने कोने में जाइए और उनका नाम बस लीजिए और लोग जान जाते हैं कि मैं किस बारे में बातें कर रही हूँ। तो आइए हम अपने ज्यादा बातें ना करते हुए उस शख्सियत से आपसे मिलवाते हैं जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, डायनेमिक सेल्फ मेड पर्सनालिटी है, जो डिजिटल क्वीन, मैं उनको नाम देती हूँ डिजिटल क्वीन, आशा जी कुलकर्णी। हेलो आशा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। आपने शो मेरे से ही शुरुआत की है, ये तो बहुत बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच। आपसे बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपके कार्यों की कुछ झलकियां हम देखते हैं। देखा आपने, आशा जी ने हर किसी को मोबाइल से पहचान करवाई, और उस समय करवाई जबकि लोग सिर्फ मोबाइल से ऑन और ऑफ करके बातें करना जानते थे। ना हमें ऐप के बारे में जानकारी थी, ना उन एप्स की उपयोगिताओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन आशा जी की वजह से बहुत सी महिलाएं, सैकड़ों नहीं हजारों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सारे के सारे मोबाइल से भी हो गए और मोबाइल का सही ढंग से उपयोग करना जान गए। और आशा जी, जैसा कि आप बोल रहे थे कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आशा जी का बर्थडे है, और इससे बड़ी खुशी क्या बात हो सकती है कि आशा जी के बर्थडे के दिन हमको ये प्रिविलेज मिला है कि हम उनका स्वागत इतने खूबसूरत तरीके से और कर सके। तो एक इससे एक अच्छा छोटा सा और, हाँ जी आशा, और बर्थडे गिफ्ट क्या मिल सकता है मुझे कि मेरा ही वीडियो बन रहा है, इससे और अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? थैंक यू। हाँ जी, एक गिफ्ट और इससे अच्छा हो सकता है। जरा देखिए, आपकी फ्रेंड ने आपके लिए कुछ भेजा है। हैप्पी बर्थडे आशा, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हग्स, गॉड ब्लेस यू विथ ऑल योर विशेस कम ट्रू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।
अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शीला जी, थैंक यू। अच्छा लगता है जब हम इतना नाम बना लेते हैं कि लोग हमें विशेष करते हैं और दूर दूर से मैसेजेस भेजते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी सफलता कहलाती है। तो आशा जी, आपको तो आपकी पहचान बहुत अच्छी बन गई है, और मैंने देखा है कि आपने हर महिला को और हर बच्चों को, बुजुर्ग को, हर किसी को मोबाइल सिखाने की कोशिश की है। ये जिसकी भी जिज्ञासा रही है कि मैं मोबाइल में कुछ सीखूं, आपने पूरी पूरी उसकी सहायता की है। तो आपके मन में ये कैसे आया, मतलब इस तरह के किस कैसे भाव उठा कि चलिए मैं मोबाइल के फील्ड में काम करती हूँ और लोगों को कुछ सिखाती हूँ? बच्चों को तो सब आता ही है, जैसे बोलते हैं वो तो खेल, उनके लिए खिलौना ही है ये सब, लेकिन बड़ों को 40 प्लस एज ग्रुप को कोई सिखाने वाला नहीं रहता है। और आजकल तो बच्चे सब अब्रॉड हो गए रहते हैं, तो उनके पास कोई रहता ही नहीं है घर में दिखाने के लिए, समझाने के लिए, और उतने पेशेंस के साथ दिखाने के लिए। तो उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ, तो आप ट्राई करते रहिए और मैं हूँ आपके लिए, व्हेनेवर यू वांट, जब भी आपको चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जरूर जरूर से, ये बात तो मैंने भी देखी आशा जी, चाहे रात 2 बजे भी आपको कोई मैसेज डाल के हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बराबर उसका जवाब देती हैं, तो ये आपकी खासियत कहना चाहिए। लेकिन जैसे 30 प्लस की एज में जब लेडीज लोग होती हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई अभी आप 50 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के, 60 के हो गए हैं, तो अब आप अपना घर का काम करिए या घर में बच्चों का आगे देखिए। लेकिन आप उस उम्र की महिलाओं को और पुरुषों को डिजिटली आपने इतना एजुकेट किया कि आज उनके अपने चैनल है, उनके आपके कुकरी शो है, तो ये किस तरह संभव हुआ? ये आपने उनको कैसे तैयार किया है, जबकि ग्रास्पिंग पावर इतना नहीं होता है इस उम्र में? तो भी लेडीज की इच्छाएं बहुत सी मारी जाती हैं शुरू से ही, तो एक 40 प्लस के बाद उनके पास टाइम रहता है, इच्छाएं जो रहती हैं वापस उनको जगाने की कोशिश करते रहते हैं, और सीखने के अभी एक बहाना बनाते हैं उनको कुछ जैसे करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, वो सब उनके इच्छाएं निकाल के उनको बोलती हूँ आप निकालो और यूट्यूब चैनल बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, डांस का बनाइए, आपको जिस चीज का हो, कविता का बनाइए, हास्य, एनीथिंग, ड्राइंग का या एनीथिंग, मतलब जो आपको चाहिए, कविता का, काफी जनों ने कुकिंग का तो बनाए हैं, जो हर औरत को आता ही है, कुकिंग चैनल्स वगैरह, तो उनका वो हिडन टैलेंट देख के निकाल के उनको मोबाइल सीखने का एक बहाना मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। और आपके सीखे हुए कुछ स्टूडेंट वो भी काफी शोहरत हासिल कर लिए हैं, उनके अपने चैनल हैं, उनकी अपनी पहचान है, जबकि उनको मोबाइल ऑन और ऑफ करना भी नहीं आता था। तो आइए ऐसे कुछ स्टूडेंट जो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, पहले उनको सुनते फिर बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। Hi, this is Anita Sachdev. I'm a friend of Asha's. I've known her for a while. And if there's one thing I can say about her, she's generous, compassionate, and she's really real. So I met her when I was giving a motivational talk at the 50 Young event. And we've been in touch ever since. And I have seen her offer her smartphone courses to everybody with such generosity. Every time if I had a challenge, I called her for some tech help. She was always available. And then she keeps herself so busy. My God, that food show, that was amazing. I loved it. In fact, I tried so many of the recipes. But like I said, she's real. Real people doing real things. And that's what Asha is all about. And so, my dear, happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you, Anita ji. इनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, I am mostly motivated from her. वो खुद इतना मोटिवेशन ये करती रहती हैं। उनका एक सेशन मैंने अटेंड किया था, उन्होंने इतने बड़े क्राउड को कैसे अपने इसमें ऑरा में उसने जमा करके रखा था, आई रियली लाइक्ड इट। और मैं भी वही कोशिश करती रहती हूँ अपने सेशंस में कि कैसे वो सब स्टूडेंट्स को एक साथ, भले वो 5 जन हो या 50 जन हो, एक साथ उनको सब, एवरीबॉडी शुड लिसन टू मी, मेरी बात समझे और सुने, वो ऑरा मैंने उनसे सीखा है कैसे करना है। अनिता जी, अनिता सचदेव, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू, थैंक यू।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अभी भी सीखती रहती हैं, सिखाती तो है लेकिन सीखती है, ये जानकर मुझे आश्चर्य हुआ। आइए एक और आपकी फ्रेंड आपके बारे में क्या राय दे रही है वो भी पहले सुन लेते हैं। ममता जी नमस्कार। आपने मुझसे कहा है कि मैं आशा जी के बारे में कुछ शब्द कहूं, अगर मैं 24 घंटे भी बोलती रहूं ना तो भी मेरी गाथा पूर्ण नहीं होगी। आशा जी से मेरी पहली मुलाकात 50 यंग के प्लेटफॉर्म पर हुई। वो पहली मुलाकात दोस्ती में बदली और वो दोस्ती आज तक कायम है। आशा जी ज्ञान का भंडार है और ये ज्ञान उन्होंने हम सभी में बांटने में कभी कोई कोताही नहीं की। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आशा जी पर पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। आज भी अगर हम किसी परेशानी में हो और आशा जी को फोन करें तो अपने इस ज्ञान सागर से कुछ बूंदे हम पर छिड़क देती हैं और हमें पूरी नई जान भर देती हैं। मैं आशा जी की शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आशा जी ने मुझे मेरे स्मार्टफोन से स्मार्ट बना दिया और आज तक मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ। आशा जी लव यू। थैंक यू सुरजीत जी, थैंक यू सो मच। सुरजीत जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे इतने सारे क्लासेस ज्वाइन किए हैं, अटेंड किए हैं, मैं और सेम टॉपिक पे होते हुए शी कीप्स ऑन अटेंडिंग। तो मैंने उनसे एक बार पूछा भी कि आपने ये तो लास्ट क्लास में भी सीखा था, वापस आप आ गई, नहीं समझ में आया था क्या? बोली नहीं, ऐसे कोई एक बात शायद हो जो मुझे तब नहीं समझ में आई हो, मुझे वापस आज शायद समझ में आ गई, या कोई नई एक बात जो मेरी छूट गई थी वो अब मुझे शायद समझ में आई, मैं वो एक पॉइंट भी मिस नहीं करना चाहती। ऐसे स्टूडेंट्स मिले तो फिर टीचर को तो क्या एकदम मोटिवेशन मिल ही जाता है सिखाने को। करेक्ट करेक्ट। अच्छे स्टूडेंट का मिलना भी टीचर के लिए बहुत बड़े तकदीर की बात होती है। तो एक और बढ़िया सा आपका स्टूडेंट है, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, तो आइए उन्हें भी सुनते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अमिता बगई एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आशा कुलकर्णी। आशा कुलकर्णी क्या बताऊँ मैं उनके बारे में, शी इज़ अ यंग लेडी हु इज 5 years यंगर टू मी एंड शी हैज शी एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हर सो मच। शी इज सच अ लवली लेडी टू नो। आई एम सो थैंकफुल टू 50 यंग टू हैव brought me in close contact to Asha ji, and she always tells me you are 5 years older to me, why do you call me Asha ji? But naturally muh mein se nikalta hi Asha ji hai for her, because there is so much respect for the lady inside me that it is impossible to call her just by the name. She is a mother, she is a wife, and sabse badi baat ye she is a good friend also and a very very helpful lady without any egos or any problems, hassles. Thank you, Amita ji. इनसे भी सीखना है तो मतलब मैं स्टूडेंट से भी सीखती रहती हूँ कुछ ना कुछ, everyone कुछ ना कुछ सिखाता है मुझे इनसे। तो पेशेंस, इतने पेशेंस है उनके पास। आप जैसे बोलते ना, स्टूडेंट्स अगर कुछ बोलते बड़बड़ते रहते हैं या 10 बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, पेशेंस कैसे रखना है ये मैं इनसे सीखती हूँ। ये इतना बड़ा ग्रुप हैंडल करती हैं लेकिन उनका किसी पे नाराजगी नहीं, कुछ नहीं। यही मैं सीखती हूँ उनसे कि कितने भी स्टूडेंट्स मुझे आके कितने भी हैरास करें लेकिन उनका हक क्या पूछने का मुझे, तो आई अलाउ देम टू आस्क देम ईच क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, नो प्रॉब्लम, आप मुझसे पूछो। लेकिन इतनी भी बात है, अगर नहीं पूछते हैं तो मुझे घबराहट होती है कि मैंने बराबर नहीं सिखाया, पूछना चाहिए उनको मुझसे। करेक्ट है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आप सिखाती हैं, लोग सीखने आते हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां हमें गुरु बना देती हैं, परिस्थितियां हमें वो चीज को एक्वायर करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो क्या कभी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आई कि आपको लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी फील्ड में करके अपना वजूद दिखाना है या अपना समय अच्छी तरह से व्यतीत करना है? तो आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई कि आपको मोबाइल फोन की तरफ उसने ढकेला? मैं पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाती थी, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोग्रामिंग ऑन अ हायर लेवल, मतलब सी प्लस, ओरेकल वगैरह, जावा वगैरह में
प्रोग्रामिंग कोडिंग भी सिखाती थी बड़े सब लोगों को, मतलब उतना हाई लेवल पे उस जमाने, दिस इज अबाउट 85-86 की बात है, तब इतना सब वो सिखाती थी, मतलब वो हायर लेवल कोडिंग था तभी। लेकिन बीच में एक हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था मुझे, जिस वजह से मैं कंप्यूटर पे नहीं बैठ सकती थी, तो उससे मैं, उस हेल्थ वजह से मैं घर पे ही बैठी रही करीबन 2 साल, मतलब उतना मूवमेंट नहीं होता था मेरा, तो मैं बाहर नहीं जा पाती थी उतना, थकान वगैरह होती थी, तो मेरे हाथ में मोबाइल था तो उसको ही मैं अपना टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें ही देखती रहती थी, कैसे क्या करना है क्या करना है, उसमें ही अट्रैक्ट नेचुरली हो गई थी मैं। तो उसके बाद फिर वो जब मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगी, वो मेरा 2 साल करीबन 1.5-2 साल जो था पीरियड, उसमें जो इतना नॉलेज मैंने वो अक्वायर कर लिया था, वो टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया था तभी, वो जो नॉलेज मैंने अक्वायर किया, जब मैं बाहर जाती थी तो कोई कुछ पूछता था तो मैं फटाक से आंसर दे देती थी, तो बोलते अरे तुझे ये भी आता है, अच्छा मोबाइल के बारे में ये भी आता है, तो एक आदत सी हो गई सबको मुझसे पूछने की। तो ऐसे धीरे धीरे वो सिलसिला जारी रहा पूछने का, स्मार्ट क्लास का। यही बात हम चाहते थे कि जब विषम परिस्थितियों को भी पॉजिटिव लो तो किस तरह से वो आपको फायदा पहुंचाती है। आपका वो जो 2 साल, हो सकता था कि आप डिप्रेशन में चली जाती, हो सकता था कि आप हार मान लेती कि नहीं अब मैं हेल्थ इश्यू हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अब छोड़ो छाड़ो सब कुछ और घर में आराम करो या घर में बैठो, लेकिन आपने उस परिस्थितियों को भी अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाते हुए और जिस प्रकार से आपने खुद तो सीखा लेकिन दुनिया को भी सिखाने की ठान ली, तो यही आप में जो बात है वो औरों से आपको अलग करती है और आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके कि आप इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ी। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो हमें मोटिवेट करता है ऐसे समय पे, तो आप ये श्रेय किसको देना चाहती है, कौन आप ऐसा मिला या मोटिवेट किया, आपको लगा कि नहीं हार नहीं मानना है आगे बढ़ना है? नहीं, सबसे पहले तो मेरे पिताजी डैडी थे, उन्होंने बहुत बहुत मतलब मुझे हमेशा बेटे के जैसे आगे किया कि ये भी सीख ये भी सीख ये भी सीख, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वगैरह भी सब उनका पहला स्टेप था मुझे, मतलब उन्होंने लिटरली मुझे धकेला था, मैंने कितना ना करने के बावजूद नहीं करना ही है, इतना लेवल तक उन्होंने मुझे जबरदस्ती करके सिखाया था। आज मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ कि आज उसके वजह से, उनकी वजह से ही मैं इतना कर पा रही हूँ। उनका एक डायलॉग था हमेशा, व्हाई फियर व्हेन आई एम देयर, मैं भी अभी सबको वही बोलती हूँ, व्हाई फियर व्हेन आई एम देयर, मैं हूं ना, कोई भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है मोबाइल के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ मुझसे पूछो, मैं बैठी हूँ आपके लिए, मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे, आप घबराइए मत, व्हाई फियर व्हेन आई एम देयर। तो एक तो पहले मेरे डैडी थे, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, एक शख्स और है जिनको पहले आप सुन लीजिए फिर उनके बारे में आप बातें करिए। तो मैं चाहूंगी कि वो, क्योंकि आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, तो उनको भी हमें सुनना बहुत जरूरी है। आइए पहले उनको सुन लेते हैं। आई विल टॉक टू यू अबाउट आशा कुलकर्णी जी, हु वी कॉल द पावर हाउस। नाउ Why powerhouse? Well, powerhouse because she, by her very sheer presence, could motivate, communicate, articulate, and get through to people's minds. And she really empowered a lot of members of 50 Young by teaching them how to use their mobile phones for payments, for creating videos, for creating posters, for creating messages. The phone, which was just a normal phone for the members, suddenly became something in which they could do a lot more. Something they could do what their kids who are 30 years or 20 years younger to them could do. They could compete with their grandkids in knowledge about the phone. And that empowerment deserved a credit related to power. And hence we named Asha Ji a powerhouse.
because she shared so much with the community that we had created. Her always energetic outreach, her genuineness and authenticity of her intentions, when she spoke and gave her workshops, be it to 20 people, be it to 10 people, be it to 50 people, be it to how many people who were there at the workshop, the authenticity of her intentions and the clarity of her speaking got through to people's minds, and they were able to understand from a peer. So, Ashaji, you were a powerhouse, and I'm sure you are a powerhouse, and you will always be a powerhouse. Thank you so much. ये तो आपने सचमुच मुझे बहुत अच्छी गिफ्ट दे दी. ही इज लाइक अ गॉड फादर टू मी. आई ऑलवेज टेल हिम ही इज लाइक अ गॉड फादर टू मी. इन्होंने मुझे पावर हाउस जो शब्द दिया, जो टाइटल दी मुझे, वो एक मोटिवेशनल था कि अब मैं भागूंगी, अब मैं ये प्रूव करूंगी कि मैं पावर हाउस हूँ. उनके ये शब्द नहीं मेरे दिमाग में ऐसे अटक गए कि नहीं अभी ये करके दिखाना है. इन्होंने कहा है तो वो मतलब अटक गया मेरे दिमाग में, अभी मैं ये करके दिखाऊंगी. तो उसके बाद जो जोरदार मेरा एनर्जी लेवल स्टार्ट हो गया था, इट वॉज लाइक नो लुकिंग बैक देन. थैंक यू आनंद फॉर ऑल दिस. थैंक यू आशा जी. आपने अपने पेरेंट्स की भी चर्चा की, तो सही में हर बच्चे के लिए पेरेंट्स बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है. जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी की ये दिली इच्छा थी, तो जब वो अब आपको इतना सफल देखते हैं, आपकी इतनी पहचान लोगों के बीच, आपकी इतनी शोहरत देखते हैं, तो वो कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कभी आपको जताया इस बात के लिए? वो है तो नहीं अभी, लेकिन आई एम श्योर जब मैं प्रोग्रामिंग करती थी वो बहुत प्राउड होते थे, बहुत प्राउड होते थे कि मेरी बेटी ये सिखाती है करके. आई एम श्योर अभी भी वो उनका हाथ मेरे सर पे है ही, नो डाउट अबाउट इट. एंड माय मम्मी के बारे में तो क्या कहना, वो तो मेरी बेस्ट स्टूडेंट है. वो इतना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर आज के जमाने में भी वो पेटीएम वगैरह सब सीख चुकी है, सब सीख चुकी है. यहाँ तक कि वो जूम पे भी आती है, शी डज एवरीथिंग, फोटो एडिटिंग करती है, वीडियोस बनाती है, सब उसका टाइम पास चलता रहता है. एंड दैट इज द बेस्ट गिफ्ट, जब वो दूसरों को भेजती है उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे, बना के खुद का पर्सनल बना के भेजती है, तो वो लोग जब तारीफ करते हैं कि अरे वाह तुझे ये भी आता है, तो दैट इज द मोमेंट जब वो खुश हो जाती है. मेरा वही सबसे बड़ा अवार्ड है. करेक्ट. क्या एज होगी उनकी अभी? 75+. अरे वाह, बहुत अच्छी बात. ये देखिए आपने उनके फोटो दिलाई आपने. थैंक यू. आपने बड़ा बहुत होमवर्क किया मेरे बारे में. जरूर जरूर. आप है ही ऐसी कि आपके लिए जानने के लिए, आपकी आपकी जानने के लिए सबके मन में उत्सुकता तो रहेगी ना भाई, कि आशा जी कैसी दिखती है उनकी मम्मी के साथ, उनके पापा के साथ, वो बचपन में कैसी लगती हैं. ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है एक इंसान के जीवन में. तो कभी घर में ऐसा माहौल मिला आपको कि आपको लगा कि इनकरेजमेंट हो रहा है मेरा, या कभी ऐसा सुस्ती दिखी कि भाई ठीक है मम्मा जो कर रही है या वाइफ जो कर रही है कर रही है, तो आपको घर से कैसा एनकरेजमेंट मिला? मुझे तो शुरू से पूरा फ्रीडम था, क्योंकि ये मैं हस्बैंड वो ट्रैवलिंग बहुत करते थे, तो मुझे वर्क बहुत मिलता था तभी. तो मैं खुद ही मतलब अपना लर्निंग वगैरह जो रहता था मैं घर पे ही अपने आप करती थी, कहीं बाहर से नहीं, घर पे ही मैं अपना वो डमीज, पहले बुक्स होते थे डमीज के, वो बुक्स पढ़ पढ़ के मैंने खुद को सिखाया है उससे ही मतलब अपना. उन्होंने मुझे टाइम दिया, यही बड़ी बात है. और बेटा तो क्या, जब स्कूल गया तो देन पूरा टाइम ही टाइम मेरे पास था, तो बुक्स पढ़ने में ही, खुद को अपडेट करने में ही, ये फील्ड में कैसे अपडेट नहीं किया तो आप पिछड़े रह जाएंगे. यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ. तो अपडेट करते 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 यहाँ तक पहुंच गई हूँ मैं. मोबाइल में भी अपडेट करते रहना चाहिए.
हाँ जी, तो आप अपने बेटे की जिस तरह से प्रशंसक है, आपके बेटे भी आपको उतना ही प्यार करते। देखिए अपने प्यार को वो किस तरह से आप पे बरसा रहे हैं, आइए उनसे भी मिलते हैं। तो मेरी मॉम पावर हाउस तो है, शी इज द स्मार्टफोन क्वीन, बट काफी लोग ये जानते नहीं होंगे कि वो काफ़ी पहले पीसी सिखाती थी डॉक्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में वो एमएस ऑफिस सिखाती थी, बेसिक से लेके बाद में उन्होंने कोडिंग शुरू किया। वो सन माइक्रो में कोडिंग भी सिखा चुकी हैं। तो उस लेवल पे होने के बाद दो तीन स्टेप्स नीचे आके 30+ लोगों को स्मार्टफोन सिखाना, क्योंकि स्मार्टफोन भी अभी एक कंप्यूटर ही है, तो उनको एक आसान भाषा में सिखाना और पेशेंस रखना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं और सबको थोड़ा प्रोडक्टिव हो अपने लाइफ में, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव है। और आई अप्रिशिएट कि वो ये एक स्टेप ले रही हैं अपने अपने खुद के बलबूते पे कि जितना उनके पास इंफॉर्मेशन है स्मार्टफोन को लेके या कंप्यूटर्स को लेके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सिखाना चाहती हैं। बहुत सारे उनके पुराने स्टूडेंट्स जब उनको मिलते हैं, जब घर आते हैं, तब एक वो खुशी का माहौल होता है कि पहले हमें कुछ नहीं आता था, बट अब आपने हमें इतना प्रोत्साहन दिया कि अब वो अपने आप आगे सीख रहे हैं और वो अपने बच्चों के वीडियोस बनाते हैं, अपने पोतों के वीडियोस बनाते हैं, फोटोज़ एडिट करते हैं, बर्थडे विशेज़ करते हैं। तो वो अपने ही आप में एक खुशी खुशी का वातावरण हो जाता है, और वो देख के मुझे एज हर सन मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है कि मैं सिर्फ मैं नहीं और बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे और सीखना चाहते हैं। और सिर्फ ये नहीं है, वो ऐसे कोई भी सिर्फ क्लासेस लेती नहीं है, उनको जब ऐसे लगता है कि किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उनको अलग क्लासेस लेती हैं, अलग क्लास के बाद भी उनको बैठ के समझाती हैं, तभी भी ना समझे तो और क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर उनको क्वेश्चन ना हो तो ये सामने से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये अगर ये है तो आप ये कैसे करेंगे, और अगर उनको आ जाता है तो बढ़िया है। तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके वो सीखने लग जाए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि वो अपने अपने खुद के बलबूते पे इतना सब कर रही है। क्या कहना है आशा जी आपका? थैंक यू वैभव, मुझे कभी ये नहीं ध्यान पड़ा कि इतनी छोटी छोटी बातें भी वो उसने नोटिस की हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ वो मेरा स्पार्क है, मेरा रिचार्ज बैटरी है। वो छोटी छोटी बातें आके नई नई चीजें जो होती हैं वो आके दिखाता है मुझे, मम्मी ये देख नई चीज आई है, शो इट टू योर स्टूडेंट्स को दिखाओ, उनको भी अपडेट करो, नई नई चीजें दिखाओ करके, ही कीप्स मी अपडेटिंग। तो वो मेरी रिचार्ज बैटरी है, वो स्पार्क मेरे इसमें लाता है कि अब ये नई चीज मैं उनको सिखाऊं करके। थैंक यू वैभव, थैंक यू आशा जी। मैंने अक्सर देखा है कि आपके क्लास में होते हैं जो लेडीज, वो सब 50 की होती हैं या 60 की भी होती हैं, आप उनको किस तरह से अट्रैक्ट करती? क्योंकि लेडीज को कोई चीज सिखाने के लिए घर से बाहर निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो आप उनको निकालने के लिए क्या कुछ ऐसे ट्रिक करती हैं या कुछ ऐसा अट्रैक्शन दिखाती हैं उनको कि वो आपके पीछे खींचे चले आ जाते हैं? और बच्चों को जैसे वो चॉकलेट दिखाते हैं ना, वैसे उनको भी कुछ ना कुछ ऐसे मैजिक दिखाते हैं। मैं उनको बोलती हूँ मैजिक दिखाती हूँ आपको, कुछ ऐसे फोटो में कुछ ऐसे कुछ नई चीज दिखाती हूँ जो उनको अच्छा लगता है, समथिंग स्पार्कलिंग जैसे बोलते हैं ना, कुछ नई चीज दिखाया था उनको थोड़ा, अरे ये क्या हो गया, अरे इतना इजी था, मैं तो काम का डर रही थी, कितना इजी मैं उसको उनको दिखा रही थी, कितना इजी और सिंपल स्टेप्स है ये करने के लिए, जब वो करते हैं तो उसमें फिर और अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको और एक एक चॉकलेट ऐसे दिखाते जाने का, और फिर वो दे कीप कमिंग टू मी बैक अगेन, ये आपने कैसे किया मुझे दिखाओ दिखाओ करके। ऐसे काफी वीडियोस बनाए मैंने खुद के सो दैट दूसरे अट्रैक्ट हो जाए कि मैं भी करना चाहूँ ऐसे। करेक्ट करेक्ट,
आपके एक स्टूडेंट है, उसने हमने उनसे पूछा कि आप इस एज में भी सीखने गई आशा जी के पास, आप क्या चीज सोच कर गई, क्या चीज देखा आपने कि अट्रैक्ट हो गई? तो देखिए उन्होंने कितना अच्छा हमें वीडियो भेजा। उन्होंने कहा कि ये वीडियो जब मैंने देखा तो मैंने ठान लिया कि मुझे भी बस ऐसा वीडियो बनाना है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या भेजा और किस चीज से वो अट्रैक्ट हुई। और एक वीडियो देखिए। हाँ जी, वो बताइए कि उसमें आपने कैसे ये सब ट्रिक कर ली। वो क्लास ज्वाइन कीजिए ना, इसी वजह से तो बनाया है कि क्लास ज्वाइन करिए। ये तो सचमुच मैजिक था ना वीडियो में। ये वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया कि कैसे जादू से ड्रेस चेंज कर सकते, और जब उनको मैं सिखाती हूँ दिखाती हूँ कि अरे देखो इट इज सो सिंपल एंड इजी, तो बोलते अरे इसके लिए इतना मैं तड़प रही थी और इतना इजी था। उसके बाद उनको और कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और सीखूं करके। जब इतनी इजी चीजें है तो मैं क्यों डर रही हूँ, वो डर फैक्टर निकल जाता है उनके दिमाग से। तो ये तो मैं भी कहूंगी कि ये तो बिल्कुल जैसा हिप्नोटाइज करने वाली बात है। इसी तरह से आप स्टूडेंट को खींच लेती हैं और उनको अच्छे स्वभाव से पकड़ लेती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं सोच रही थी कि क्या ये जो हमारे पास मोबाइल है हमारे हाथ में, तो ये सिर्फ इस टाइप की ट्रिकी चीजें करना चाहिए या इससे कोई संभावनाएं हैं जीवन में कि हम अपने पैर पे खड़े होना अगर चाहते हैं, या कोई लेडी चाहती कि मैं इसी फील्ड से पैसा भी अर्न कर सकूं, तो वो क्या कर सकती है, क्या इस फील्ड में वो कर सकती है ये सब चीजें सीख करके? सबसे पहले मोबाइल में जो भी मैं सिखाती हूँ वो अपना दिमाग चलाते हैं, उसमें ब्रेन पावर उसमें होता है। दे आर यूजिंग द ब्रेन पावर, एक्टिव हो जाता है उनका, जो कि अपने इसमें घर के झंझटों में हम लोग भूल जाते हैं ब्रेन यूज करने को, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें अपना डिमेंशिया वगैरह कम होने का चांसेस रहता है। इट इज अप्रूव्ड कि अगर स्मार्टफोन में ये सब एप्स वगैरह यूज करते हैं तो डिमेंशिया वगैरह का प्रॉब्लम्स कम होता है, उससे अपना ब्रेन वर्किंग होता है। दूसरी बात, YouTube के लिए मैं काफी औरतों को प्रोत्साहित किया है, बहुत जनों ने YouTube चैनल भी स्टार्ट किया है, उनकी अपनी खुद की मौजूदगी उसमें हो जाती है, उनका नाम होता है उसमें, प्लस पैसा कमाने का भी एक जरिया हो जाता है। पैसा तो है ही, मतलब उनके हॉबी के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से जो भी है वो यूट्यूब चैनल बनाती है। मेहनत के साथ साथ अपना नाम शोहरत और पैसा सब आ जाता है उसके साथ, YouTube चैनल के साथ। मैंने अपना भी उससे ही स्टार्ट किया था YouTube चैनल। मेरा YouTube चैनल का नाम है मैजिक ऑफ स्मार्टफोन बट नेचुरल, मैजिक के दिखाती हूँ, मैजिक ऑफ स्मार्टफोन है उसमें। तो आप सभी को बोल सकती है वो चैनल एक बार देख तो लें करके, कितना जादू दिखाया है उसमें, कितना मैजिक है उसमें, सिंपल इजी स्टेप्स में है। यस जब YouTube खोला और स्मार्टफोन नाम टाइप किया तो सीधा आ जाता है जी आशा कुलकर्णी इज स्मार्टफोन, ऐसा करके। तो एक हम आपको पूरा YouTube तो आपके उससे भरा है, छोटे 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 सुंदर सुंदर आप जो सिखाती है ट्यूटोरियल, वो पूरे यूट्यूब चैनल पे आप आशा कुलकर्णी जी छाई हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारी अपनी टीचर पूरे यूट्यूब पे छाई हुई हैं और इतनी सफल हैं कि हर बच्चा भी आपको नाम से जानता है। तो ये हमेशा हमें भी इंस्पायर करता है। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि कुछ एक ऐसे टिप्स हो कि जो अपना नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है या तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि वो सफल रहे। सबसे पहले आपको पैशन होना चाहिए किसी एक चीज का, कोई आपकी हॉबी हो कुछ भी हो, उसका पैशन, मतलब आप थके नहीं वो दिखाने के लिए। वो पैशन नहीं होगा तो नहीं होगा कुछ भी।
पैशन के साथ साथ मेहनत बहुत है, वीडियोस एडिटिंग करना, शूट करना, वो सब उसमें है। मेहनत के सिवाय फल नहीं है कुछ भी, मेहनत का फल मीठा ही होता है। यूट्यूब चैनल से आपका विजिबिलिटी हो जाता है, आपका चेहरा सब लोग पहचानने लगते हैं, आपका नाम हो जाता है, आप 10 लोगों के बीच जाती है, अरे ये है आशा कुलकर्णी। यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सामने वाला खुद ही आके पूछता है आप है ना आशा कुलकर्णी, आई एम अ फैन ऑफ योर्स, तो आपका वसूल हो गया वहीं पे सब कुछ। मेहनत करो और पैशन रखो, उस चीज का पैशन रखो, फिर वो कुछ भी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो आपका, इवन ट्यूशन क्लासेस भी आप कर सकते हैं। अभी तो जमाना आ गया ट्यूशन का भी, ऑनलाइन का, ट्यूशन का भी पैशन होना चाहिए बस। अगर आपको सिखाना है तो मैं हूँ, आपको कैसे करना है, क्या करना है सिखाने के लिए, मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछिए, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े से बड़े 80-90 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो। मेरे 80 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स, 80+ स्टूडेंट्स भी रहे हैं, उनको एक्टिव करना, उनके पास एक्टिविटी कम होती है तो उनको एक्टिव रखना भी जरूरी होता है। यस यस, कभी कोई चाहे तो फोटोग्राफी के फील्ड में भी जा सकता है, कोई टीवी के फील्ड में जा सकता है, कभी फिल्म मेकिंग के लिए, शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए भी अभी बहुत न्यू कमर्स बहुत सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। तो अगर सीखा हुआ रहता है, कोई चीज का ज्ञान रहता है, तो वो प्रॉपर सिस्टमेटिक जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खेल खेल में आप इसको अपना प्रोफेशन बना करके भी अपनी एक पहचान बना सकते हैं। लेकिन क्या मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ कि जब आप इतनी सफल और आपकी पहचान है, तो क्या आपके हस्बैंड आपके साथ आपकी पहचान के साथ चलते हैं, या वो भी कुछ अपनी इंडिविजुअलिटी बना रखे हैं उन्होंने? नहीं, उन्होंने मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी खुद ही रखी है, मतलब उन्होंने ये नहीं कंबाइन नहीं किया है, तुम अपना वजूद जमाओ, मैं अपना, मेरा तो है ही, लेकिन अपना वजूद जमाओ खुद, वो उनका वही रहे कि अपना खुद करो। अच्छा, तो यही बात जब हमने उनसे पूछी तो देखिए उन्होंने क्या कहा हमसे। आशा के बारे में यही कहना चाहूंगा कि वो पहले से ही काफी मतलब क्यूरियोसिटी उसमें बहुत रहती है कि ये चीज आई है तो क्या उसमें क्या हो सकता है और मैं उसमें क्या नई चीज ला सकती हूँ, इनोवेटिव के हिसाब से बहुत स्टूडियस है उसके बारे में वो। और उस टाइम मतलब 87-88 में जब कंप्यूटर नई नई चीज थी, लोग डरते थे कि क्या चीज है, और तो उसने वो एक कोर्स किया और उसमें उसने काफी 98% तक उसने मार्क्स लाए थे प्रैक्टिकल्स में वगैरह। और उसके बाद उसने अपना खुद का एक मकान बनाया, वो कंप्यूटर क्लासेस शुरू किए थे उस टाइम जो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स होते थे उसके हिसाब से, एंड बहुत सक्सेसफुल उसका करियर उस टाइम शुरू हुआ था। और उसके बाद स्मार्टफोन जो आ गया है, तो स्मार्टफोन में क्या चीज़ है, बीच में थोड़ी गैप गई थी तो अगेन उसने थोड़ा खुद को अपडेट किया और फिर स्मार्टफोन में क्या क्या हो सकता है, उसका यूज़ क्या हो सकता है लोगों को, वो सिखाना शुरू किया। और उससे पहले, सिखाने से पहले खुद उसने इतना उसका स्टडी किया कि कोई भी सामने से आज उसे क्वेश्चन पूछता है कि मैडम ये ऐसा क्या है वैसा, तो वो तुरंत उसका जवाब देते क्योंकि उसे खुद वो स्टडी वो चीज़ की है उसने। और काफ़ी सोशली वो काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए और मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है, क्योंकि मेरे म्यूजिक के जितने सॉफ्टवेयर है या जो भी है उसमें कभी कभी मुझे प्रॉब्लम्स होती है कि यार ये ऐसा क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हम वो बिठा दिया मुझे, और वो भी खुद थोड़ा स्टडी करके, क्योंकि उसे पता है काफ़ी चीज़ें है मालूम है उसमें से, तो वो फिर बताते कि ऐसा ऐसा, तो मेरा एज अ स्टूडेंट भी साथ में रोल है उसके लिए। एंड रियली शी डिजर्व्स, आपने जो इतना अच्छा इंटरव्यू किया है, सो रियली इट्स वर्थ, थैंक्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्या कहेंगे आप जब एक हस्बैंड इतनी तारीफ करता है तो? वैसे तो नहीं होती, ऐसे हो जाती है तो और अच्छा लगता है ना। जैसे उन्होंने कहा क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी तो मुझे इतनी है कि कुछ भी नई चीज मेरी रह गई हो तो मैं सुबह को 3 बजे उठ के भी वो सीख लेती हूँ, कर लेती हूँ,
मुझे वो तभी वो क्लियर करना रहता है मेरे दिमाग में, वो जो कोई बात अगर अटकी 3 बजे भी उठ के मैं वो क्लियर कर लेती हूँ खुद को, R&D जैसे बोलते हैं वो करती हूँ रहती हूँ। मुझे क्यूरियोसिटी मतलब अगर मुझे कुछ 20 चीजें किसी को सिखानी है तो मेरा मानना है कि मुझे 50 चीजें आनी चाहिए, उनसे ज्यादा आनी चाहिए, ज्यादा चीजें, तब मैं वो 20 चीजें मैं सामने वाले को सिखा सकती हूँ। तो उतना डेवलप करना खुद को, मैं टाइम निकालती हूँ खुद के लिए ये सब सीखने के लिए पहले, ये उन्होंने देखा है पूरा सब। करेक्ट, ये कोई महिला तभी सफल होती जब पूरे परिवार का साथ होता है उसके, तो आपका परिवार को तो आप धन्यवाद देंगी ही देंगी। और ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप चाहेंगी कि आपका आपकी सफलता के लिए उनको भी धन्यवाद दें, क्योंकि आज मौका आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, आप सबका थैंक्स भी कर सकती हैं ताकि आगे और भी अधिक सपोर्ट आपको हर कोई दे और आप ऊंचाइयों तक, शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मतलब सबसे पहले एक शिराज करके मेरी स्टूडेंट है, वो बॉम्बे दुबई अप डाउन करती थी, गलती से उन्होंने मेरा 1-2 क्लास अटेंड कर लिया था, लेकिन वो भी इतना प्रभावित हुई कि बाद में वो दुबई से भी मुझे कॉल करती थी कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, और वो काफी बार उन्होंने किया। आई वॉज ऑल्सो वेरी मच मोटिवेटेड कि अरे वो दुबई से मेरी दुबई वाली भी स्टूडेंट है करके वो भी एक अच्छी बात लग रही थी मुझे तभी। और दूसरे हैं अनीता गुरनानी करके है, उन्होंने तो ऐसे मतलब इतना मेरा प्रैक्टिस वर्क करती रहती है, सबको मतलब दिखाती रहती है ग्रुप्स में वगैरह, तो सबको लगता है कि हाँ ये आशा जी ने सिखा, इतना सीखा उन्होंने, सबको लगता है कि अरे इन्होंने आशा जी से इतना सीखा है तो मैं भी क्यों नहीं सीखूं, अब वो भी कर सकती तो मैं भी करना चाहती हूँ, मतलब वो प्रॉब्लम हो जाता है फिर वहां पे। और दूसरी है एक डॉक्टर हैं वो आते थे मुझसे कंप्यूटर सीखने के लिए, वो भी एक दिमाग में है मेरे, रात को 10 बजे अपना क्लिनिक बंद करने के बाद वो मेरे पास आते थे सीखने के लिए, इतनी देर से, अदरवाइज माय हस्बैंड को उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इतनी देर से आने का मतलब इतना रेगुलरली आके सीखना कंप्यूटर्स एक बड़ी बात है। एक डॉक्टर मेरे पास आता है रात को 10 बजे क्लिनिक बंद करने के बाद, वो भी एक मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। ऐसे तो बहुत से हैं, एक है रश्मि जी, रश्मि आहूजा, उनको जब भी पहला सेशन में मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिखाया था व्हाट्सएप का, तो वो मोमेंट जब भी उन्होंने बेटी को कॉल किया वीडियो कॉल पे तो शी वाज सो, वो जो ग्लो उनके फेस पे था तभी उस वक्त बेटी से बात करते हुए, वो अभी भी मुझे याद है, वो खुशी जो थी उनके चेहरे पे, मोटिवेशन वहीं से मिलता है कि अरे मैंने अपने बेटी से वीडियो पे कॉल किया, बाद में मैंने उनसे पूछा बेटी कहाँ पे है, बोली लिंकिंग रोड पे है, अरे यहीं पे है ना, मुझे लगा कहीं दुबई वगैरह या US वगैरह में है, बोली नहीं तो भी मिलती नहीं है, यहाँ पे बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सब बातें डिपेंड कितना मोटिवेशन मिलता है अपने को, उनको खुशी देख के मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ऐसे और लोगों को मैं सिखाऊं। करेक्ट, एक आपकी पहचान मेरी नीता मेहता जी ने कराई थी, मेरा ख्याल है कि वो जब आपकी क्लासेस वगैरह की बात चल रही थी तो नीता मेहता जी ने भी काफी आपको साउथ मुंबई साइड में बहुत पॉपुलर कर दिया था, तो मेरे को एक नाम वो भी याद आ रहा है। स्पेशल थैंक्स नीता मेहता, थैंक यू फॉर ऑल दिस, थैंक यू। ओके, थैंक यू आशा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करती हूँ कि जैसा आपका नाम है और वैसे ही आपके काम भी हैं, और आगे भी जीवन में आप इसी तरह सबको इंस्पायर करती रहेंगी, अपने काम पे, शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू ममता जी, आप भी तो मेरे बेस्ट स्टूडेंट हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल पे ये स्टार्ट कर रही है, आपको कैसे भूल सकते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you, Ji. Thank you very much.